चुनाव में कम वोटिंग क्या बीजेपी पर पड़ेगी भारी? पोलिंग बूथ तक क्यों नहीं आ रहे वोटर्स? क्या कम वोटिंग का मतलब है मोदी सरकार जाने वाली है? दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि तमाम हो हल्ले के बाद भी लोग वोट डालने के लिए घरों से निकल ही नहीं रहे और दूसरे चरण में भी वोटिंग टर्नआउट कम ही रहा। अब राजनीति के जानकार कयास लगा रहे हैं कि कहीं मतदाताओं की दिलचस्पी ना होने का मतलब ये तो नहीं कि वो मोदी सरकार को तीसरा मौका नहीं देना चाहते। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण भी खत्म हो गया। खासकर यूपी में लगातार दूसरे चरण में वोटर्स ने पोलिंग बूथ से मुंह मोड़ कर रखा। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर 54.85% मतदान हुआ, जो दूसरे चरण में शामिल 12 अन्य राज्यों की 76 सीटों में से बेहद कम है। मथुरा लोकसभा सीट पर दो बार की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर रामायण के राम अरुण गोविल जैसे स्टार चेहरे होने के बावजूद वोटर्स को बूथ पर वो नहीं खींच पाए। एक्सपर्ट्स पिछले ट्रेंड्स को लेकर इसको देखते हुए भाजपा के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। दरअसल पिछले चुनावों के रिजल्ट को आधार माने तो कम वोटिंग परसेंटेज होने पर भाजपा के जीतने का चांस कम होता दिखाई देता है। यूपी में अब तक 80 में से 16 सीटों पर चुनाव हो चुका है। ये सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने साथ आरएलडी को जोड़ा था, जिसे इस इलाके की मजबूत पार्टी माना जाता है। आरएलडी को 2019 में इस इलाके में करीब 6% वोट हासिल हुए थे और इसे यहाँ भगवा झंडे की राह में सबसे बड़ी बाधा माना जा रहा था। इस लिहाज से आरएलडी को अपने साथ जोड़ना भाजपा के लिए इस इलाके को मजबूत गढ़ में बदलने जैसा माना जाना चाहिए था, लेकिन अब तक हुए 16 सीट के चुनाव में वोटर्स पोलिंग बूथ तक आते हुए दिख ही नहीं रहे। शुक्रवार को दूसरे चरण के चुनाव में हेमा मालिनी की मथुरा सीट पर 49.29%, अरुण गोविल की मेरठ सीट पर यानी मेरठ हापुड़ सीट पर 58.70%, आरएलडी के गढ़ बागपत सीट पर 55.93%, अलीगढ़ सीट पर 56.62%, अमरोहा सीट पर 64.02%, बुलंदशहर सीट पर 55.79%, गाजियाबाद सीट पर 49.55% और गौतम बुद्ध नगर सीट पर 53.21% वोट डाले गए। 19 अप्रैल को पहले चरण में मुजफ्फरनगर सीट पर 49.13%, बिजनौर सीट पर 58.73%, कैराना सीट पर 62.46%, मुरादाबाद सीट पर 62.18%, नगीना सीट पर 60.75%, पीलीभीत सीट पर 63.11%, रामपुर सीट पर 55.85% और सहारनपुर सीट पर 66.14% वोट डाले गए थे। यानी वोट कम डाले जा रहे हैं। वोटिंग कम होने का नुकसान भाजपा को हो सकता है, क्योंकि जब बम्पर वोटिंग हुई थी तो भाजपा को फायदा हुआ था। 2014 के चुनाव में जमकर वोट पड़े थे तो बीजेपी ने यूपी की इन 16 सीटों को क्लीन स्वीप किया था, यानी सारी की सारी 16 सीट उसने जीत ली थी। लोकसभा चुनाव 2014 में इन 16 सीट पर सबसे कम 56.94% वोटिंग गाजियाबाद में हुई थी, लेकिन गाजियाबाद की सीट भी बीजेपी ने जीत ली थी। बाकी सीटों पर जैसे मथुरा में 64.10%, अलीगढ़ में 59.38%, बुलंदशहर में 58.18%, गौतम बुद्ध नगर में 60.39%, बागपत में 66.75%, मेरठ में 63.12%, अमरोहा में 70.97%, बिजनौर में 67.88%, कैराना में 73.10%, मुरादाबाद में 63.66%, मुजफ्फरनगर में 69.74%, नगीना में 63.12%, पीलीभीत में 62.86%, रामपुर में 59.27% और सहारनपुर में 74.26% भाजपा के पक्ष में जमकर वोट पड़े थे। भाजपा ने इन सीटों पर 16-0 से क्लीन स्वीप किया था, यानी सभी सीटें जीत ली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब इन 16 सीटों पर वोटिंग कम हुई थी तो उसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ था। भाजपा ने इन 16 सीटों में से 6 सीट बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर और नगीना गंवा दी थी, जबकि बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, पीलीभीत और कैराना में उसे जीत मिली थी।
इन चुनावों में वोट परसेंटेज था कि सहारनपुर में 70.87% वोटिंग हुआ था, गाज़ियाबाद में 55.89%, मथुरा में 61.08%, अलीगढ़ में 61.68%, बुलंदशहर में 62.92%, गौतम बुद्ध नगर में 60.49%, बागपत में 64.68%, मेरठ में 64.29%, अमरोहा में 70.97%, बिजनौर में 66.22%, कैराना में 67.45%, मुरादाबाद में 65.46%, मुजफ्फरनगर में 68.42%, नगीना में 63.66%, पीलीभीत में 67.41%, और रामपुर में 63.19% वोटिंग हुई थी। यूपी में ही नहीं, देश भर में पिछले आम चुनावों के मुकाबले 2024 में मतदान कम दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में जहां देश में 102 सीट पर 66.1% मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण में 88 सीटों पर शाम 7 बजे तक करीब 61% वोट ही हुए, वोटर टर्नआउट सामने आया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़्यादातर वोटर्स ये तय मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, इसके चलते वो वोट देने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार जमकर उछल रहे हैं, लेकिन वोटर्स का ध्रुवीकरण ना इन मुद्दों पर हुआ है और ना ही वोटर्स इस बार धर्म के आधार पर एकजुट होकर वोट डालने के लिए तैयार हो पा रहे हैं। 2014 में मोदी लहर थी और जनता कांग्रेस की सरकार को बदलने के लिए घरों से निकली थी। वहीं 2019 के चुनाव में पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर लोगों में जोश भरा गया था, लेकिन इस बार जनता में इस तरह से कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा पीछे छूट गया है। पीएम मोदी के अच्छे दिनों के वादों को भी लोगों ने दो दो बार देख लिया है, इसलिए अब तीसरी बार कोई नई बात नहीं है, इसलिए भी जनता में मोदी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं है। हालांकि ये कहना कि सिर्फ सरकार को बदलने वाले ही घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं ठीक नहीं होगा, क्योंकि मोदी बग भी पीछे नहीं रहने वाले, वो तो जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें और नफरत के खिलाफ अपना वोट ज़रूर डालें। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट डालने का जो अधिकार दिया है उसका सही इस्तेमाल करें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।